Assalamu alaikum to all of you. Myself, Dr. Bushra Abrar, UMS MD Ilmul Ladviya. Welcome you all to our YouTube channel, Yunani Scholar. Now we are going to study animal origin drugs, Adviye Haiwaniya. Drug number 7, Sartan. Sartan ko cancer grape bhi kaha jata hai. सरतान की काफ़ी सारी लगभग 5000 के करीब इसकी स्पीशीज होती हैं और फिर हर स्पीशीज का अलग साइंटिफिक नेम होता है इसका। सरतान के कई सारे मुतरादिफ नाम होते हैं, जैसे इसे क्रैब कहा जाता है, स्पाइडर ऑफ सी भी कहते हैं इसे, स्पाइडर ऑफ सी यानी कि समंदर की मकड़ी। जैसा कि इसकी शक्ल होती है सरतान की, ये मकड़ी से मुशाबहत रखती है। इसकी जो लेग्स होती हैं ये मकड़ी की तरह होती हैं, इसलिए इसको स्पाइडर ऑफ सी कहते हैं क्योंकि ये समंदर में रहता है। अकरबुल बहर भी कहते हैं इसे, अकरब कहते हैं बिच्छू को, यानी कि समंदर में रहने वाला बिच्छू। बहर कहते हैं समंदर को क्योंकि इसकी जो क्लॉज होते हैं आगे के, ये कुछ अकरब से मुशाबहत रखते हैं, इसलिए इसको अकरबुल बहर भी कहते हैं। इसे फारसी में खरचंग भी कहते हैं और इसे केकड़ा भी कॉमनली बोला जाता है। अब जान लेते हैं इसकी माहियत यानी मॉर्फोलॉजी को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सरतान है ये के पानी में रहने वाला जानवर होता है और इसकी जो पुश्त इसकी बैक होती है ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ये कहा जाता है कि इसका एक्सोस्केलेटन होता है, ये जो इसके अंदर के डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसकी टेल और इसकी अलग से देखिए, इसका कोई भी आपको हेड अलग से नहीं नज़र आ रहा होगा, ये सब इसकी बॉडी में ही अटैच रहता है। इसकी टेल और हेड, इसका सर नहीं होता है। इसके ये डेकापोड होता है यानी इसके 10 लेग्स होते हैं, लेकिन जो इसके आगे का 1 पेयर ऑफ लेग है ये इसके क्लॉज में कन्वर्ट हो जाता है, इसका पंजा बनाता है। और ये नर और मादा ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी मेल फीमेल इसमें अलग होता है ये। और जो मेडिसिनल यूज़ के एतबार से फीमेल को बेहतर माना जाता है। अभी फीमेल की पहचान किस तरह करते हैं, तो अधिपा ने बताया है कि इसकी पुश्त में एक सुई चुभोने से जो फीमेल होगी तो उसके जो उसके अंदर से लेसदार सफ़ेद रतुबत खारिज होती है जो कि मेल में नहीं होती है। इसकी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं जिनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं। इसकी कुछ किस्में होती हैं जो कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, जो इसकी स्मॉलेस्ट स्पीशीज है वो पी क्रैब है, जो कि सिर्फ 1 इंच के बराबर होता है, 1.5 इंच का होता है ये। लेकिन इसकी जो लार्जेस्ट स्पीशीज होती है जैपनीज स्पाइडर क्रैब, वो 13 फुट तक लंबी होती है, यानी 4 मीटर का। सरतान को लेकिन जब हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसको इसी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसको मुहर्रक कर लिया जाता है। ये मुहर्रक क्या होता है? मुहर्रक लफ्ज़ बना है एहराक से, और एहराक का मतलब होता है जलाना। सरतान को मुहर्रक करने की तरकीब ये होती है कि इसकी पहले सारी इसकी लेग्स को इसकी बॉडी से अलग कर लेते हैं, फिर इसका जो पेट होता है इसके बीच में एक कट लगाते हैं, इसका पेट चाक करते हैं, और इसके जो शिकम की इसके पेट की जो सब गंदगी होती है, इसकी जो आलाइश होती है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर इसको नमक और राख के पानी से खूब अच्छी तरह से इसे धो लेते हैं, साफ करते हैं। और फिर इसको एक मिट्टी का कूजा, कूजा कहते हैं एक मिट्टी का छोटा बर्तन होता है, उसमें रखा जाता है। ऊपर से दूसरा कूजा रख के इसके ऊपर गीले हिकमत यानी मिट्टी लगा के इसे पूरा बंद कर देते हैं, और फिर इसे तंदूर में या आग में किसी में डाल देते हैं। और फिर जब ये खुद ठंडा हो जाता है तब फिर इसको निकाला जाता है, और फिर इसका ये राख की फॉर्म में हो जाता है। फिर इसका बहुत बारीक सफ़ूफ कर लिया जाता है। अब बात करते हैं सरतान के मिजाज की, तो इसका मिजाज होता है गर्म तर, कोल्ड एंड वेट दूसरे दर्जे में, लेकिन जब इसे मुहर्रक कर लिया जाता है तो इसका मिजाज हो जाता है सर्द तर, पहले दर्जे में। अब बात करते हैं इसके अफाल यानी इसके एक्शंस की, तो इसका एक्शन है मोहल्ले औराम हार्रा होता है, यानी जो गर्म किस्म के औराम वर्मी कैफियत होती है उसको दूर करता है। ये जाली एक्शन रखता है यानी डिटर्जेंट एक्शन होता है, इसकी वजह से इसको हम एक्सटर्नली स्किन डिसीज में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन एक्शन ये है कि ये हाबिसुद्दम है, हीमोस्टैटिक होता है,
जो ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो जाता है, तो उसमें जो मरीज को हीमोप्टाइसिस की शिकायत हो जाती है कि उसको बलगम के साथ खून आने लगता है, तो ये उसको रोकता है। उसमें इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। ये तिरियाके समूम यानी एंटीडोट भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के जहरों को दूर करता है, और ये मुग़ज़ी यानी न्यूट्रिटिव भी होता है। इसमें काफ़ी सारे जो न्यूट्रिशन की चीज़ें होती हैं इसमें वो सब पाई जाती हैं, इसलिए इसको खाने में भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस यानी इस्तेमालात की। इसको सिल और डिक में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सिल डिक कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस को, और सिल कहते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के नतीजे में जो लंग्स होते हैं फेफड़ों में जो कैविटी बन जाती है, जख्म बन जाता है, उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। और इससे स्वाल याबिस यानी ड्राई कफिंग में भी इसको इस्तेमाल कराया जाता है। नफसुद्दम यानी हीमोप्टाइसिस, सिल के नतीजे में जो कैविटी बन जाती है लंग्स में, उसकी वजह से जो नफसुद्दम की यानी जो बलगम के साथ मुंह से खून आने लगता है, उस कंडीशन में भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है सरतान का। इसको डॉग स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट में भी हम लगाते हैं, ये तिरियाक होता है, इसलिए इसको जमात बनाकर अगर कुत्ता काट ले, स्नेक या स्कॉर्पियन काट ले, तो उसे जमात के तौर पे लगाते हैं। और इसकी टैबलेट भी बनाई जाती है सरतान की, इसको दूसरी दवाओं के साथ मिला के टैबलेट बनाते हैं, कुर्से सरतान काफूरी, जो कि इन सब में इसको ट्यूबरक्लोसिस में भी इस्तेमाल कराया जाता है, इन सब में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जैसा कि अभी हमने एक्शन में पढ़ा, ये जाली होता है, डिटर्जेंट एक्शन है, इसलिए इसको स्किन डिसीज में इसको काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इसको बर्स में, बहक में इस्तेमाल करते हैं, कलफ में इस्तेमाल करते हैं। इसकी मकदार खुराक होती है 1 से 3 ग्राम। इसमें कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, प्रोटीन होता है इसमें, कैल्शियम है, फॉस्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसमें, ग्लाइकोजन होता है। अब जान लेते हैं इसके मुझे यानी एडवर्स इफेक्ट। तो इसका जो एडवर्स इफेक्ट, अगर इसको मुहर्रक करके ना इस्तेमाल किया जाए, तो ये मैदे पर यानी स्टमक में इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। और इसका मुसले है दारे फिलफिल, दारे फिलफिल एक दवा है, इसका मशहूर मुरक्कब है कुर्से सरतान काफूरी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।